दोस्तों आज के वीडियो में हम जिक्र करेंगे रिलायंस हेल्थ गेन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी के अंदर टोटल तीन वेरिएंट्स हैं। पहला वेरिएंट है प्लस, देन पावर एंड टॉप वेरिएंट है प्राइम। तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है कवरेज और बेनिफिट्स के, इन प्लान्स को लेने की एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें ऑप्शनल कवर्स बहुत सारे हैं, तो वो कौन कौन से ऑप्शनल कवर्स हैं जिनसे आप अपनी पॉलिसी को बिल्कुल मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्सक्लूजन्स के बारे में हम जानेंगे, यानी ये पॉलिसी कौन से इलाज कभी भी कवर नहीं करेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल या पेड वीडियो नहीं है और ना ही ये एक रिकमेंडेशन का वीडियो है। इस वीडियो से सिर्फ मेरा इतना सा मकसद है कि मैं आपके लिए इस पॉलिसी को समझना बिल्कुल आसान बना दूं, ताकि इस वीडियो के एंड तक आप ये खुद डिसाइड कर पाएं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आपके लिए बना है कि नहीं। तो देरी किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस प्लान को लेने की एलिजिबिलिटी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मैक्सिमम एंट्री एज, यानी कितनी एज तक मैक्सिमम आप ये प्लान खरीद सकते हैं, तो वो लिमिट है 65 ईयर। 65 साल के बाद आप ये पॉलिसी नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर आप इस पॉलिसी का बेस प्लान जो कि है प्लस वेरिएंट वो खरीद रहे हैं और आपने चूज किया है 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, तो ये वाली एज लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिनिमम एंट्री एज, यानी कम से कम कितनी एज होनी चाहिए ये पॉलिसी खरीदने के लिए। तो एक फैमिली फ्लोटर प्लान में बच्चों की बात करें तो 91 दिन से लेकर 25 साल के बीच में अगर बच्चों की एज है तो वो फैमिली फ्लोटर प्लान में ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर उन बच्चों को इंडिविजुअल पॉलिसी चाहिए तो उनकी एज मिनिमम 5 साल होनी चाहिए, लेकिन उस पॉलिसी में एक 18 साल के एडल्ट मेंबर का होना जरूरी है। अब बात करते हैं एग्जिट एज की, यानी किस टाइम आप इस पॉलिसी से एग्जिट कर सकते हैं, तो वो कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है। ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल प्लान है, पूरी लाइफ टाइम तक इसे रिन्यू करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैमिली मेंबर्स आप इस पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल प्लान के बारे में जानते हैं। इसमें टोटल 8 मेंबर्स आप ऐड कर सकते हैं। ये 8 मेंबर्स कौन कौन होंगे, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स इन लॉ हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन के 8 इंडिविजुअल्स आप चूज कर सकते हैं जिनके पास इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड चूज करने का ऑप्शन होगा। फैमिली फ्लोटर प्लान की अगर बात करें तो यहां पे आप कितने मेंबर्स चूज कर पाएंगे ये आपके वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपने चूज किया है प्लस वेरिएंट जो कि इनका बेस वेरिएंट है, तो 2 एडल्ट और 6 बच्चे आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं। जो एडल्ट्स हैं ये हस्बैंड वाइफ ही होने चाहिए। दूसरा आता है इनका पावर वेरिएंट, उसके अंदर आप 4 एडल्ट और 6 बच्चे ऐड कर सकते हैं। आप हस्बैंड वाइफ के अलावा अपने पेरेंट्स या पेरेंट्स इन लॉ को भी ऐड कर सकते हैं। और जो इनका टॉप वेरिएंट है प्राइम, उसके अंदर 6 एडल्ट और 6 बच्चों को आप ऐड कर सकते हैं। एडल्ट्स में हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंड पेरेंट्स को भी आप ऐड कर सकते हैं और 6 बच्चों का ऑप्शन तो आपको मिल ही जाता है। अब रूम रेंट पे कोई कैपिंग है या नहीं है, आप कौन सी कैटेगरी का रूम ले सकते हैं, किस प्लान के अंदर कौन सा रूम मिलेगा, ये एक बार जान लेते हैं। अगर आपने प्लस या पावर वेरिएंट लिए हैं, यानी जो शुरुआती 2 वेरिएंट लिए हैं, तो आप एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टॉप वेरिएंट लिया है जिसका नाम है प्राइम, तो एज पर एक्चुअल्स वो कवर्ड है, उसमें कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं है। हालांकि इन कैटेगरीज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वो मैं आपको ऑप्शनल कवर्स वाले सेगमेंट में बताने वाला हूं। नेक्स्ट आता है कोपेमेंट। कोपेमेंट यानी कि क्लेम को शेयरिंग बेसिस पे पे किया जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है स्टैंडर्ड प्लान के अंदर तो कोई भी कोपेमेंट नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि पॉलिसी लेते टाइम जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उनकी एज 61 ईयर्स से ज्यादा है, जब वो पहली बार ये पॉलिसी खरीद रहे हैं और एज 61 ईयर्स से ज्यादा है, तो 20% की कोपेमेंट एप्लीकेबल होगी। हालांकि इसे हटाया भी जा सकता है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। अब बात करते हैं पॉलिसी टेन्योर की, एक साथ कितने टाइम की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं, तो वो है 1 साल 2 साल और 3 साल। इतने टाइम की पॉलिसी आप एक साथ सिंगल प्रीमियम पे करके भी ले सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है बेनिफिट्स और कवरेज डिस्कस करने की। सबसे पहला पॉइंट है सम इंश्योर्ड का, यानी कितने रुपए की पॉलिसी आप खरीद पाएंगे, ये भी आपके वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। जो बेस वेरिएंट है प्लस, उसके अंदर आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। जो पावर वेरिएंट है उसके अंदर 10, 15 और 20 लाख रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं, और प्राइम वेरिएंट के अंदर 25, 30, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए का सम इंश्योर्ड आप ले पाएंगे। अब कवरेज की बारी आती है इन हॉस्पिटलाइजेशन की, यानी कोई पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होता है तो उसका कितना खर्चा कवर किया जाएगा। तो ये एज पर एक्चुअल्स है, यानी जितना भी आपका सम इंश्योर्ड है तब तक ये खर्चा आपका कवर किया जाएगा। लेकिन इसमें एक एडिशनल बेनिफिट भी है जिसे अकोमोडेशन बोनस कहा जाता है। जो भी आपकी रूम रेंट कैटेगरी है, अगर आप उससे लोअर रूम रेंट कैटेगरी चूज करते हैं, तो 1000 रुपए का डेली अकोमोडेशन बोनस आपको दिया जाएगा तीनों ही प्लान्स के अंदर। डोमेस्टिक रोड एम्बुलेंस का कितना कवरेज मिलेगा, देखिए अगर आपने प्लस वेरिएंट लिया है तो 1500 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर पावर वेरिएंट है तो 3000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन, और अगर आपने प्राइम प्लान लिया है तो कवर्ड एज पर एक्चुअल्स है, यानी जो भी खर्चा एम्बुलेंस का होगा वो कवर होगा। अब यहां पे कई बार क्या है ना कि आप सेम सिटी में नहीं आउटर सिटी में भी चले जाते हैं एम्बुलेंस के, अगर हो सकता है कोई बड़ा हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है सेम सिटी में, तो इंटर सिटी आपको जाना पड़ता है। अगर वो डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज्यादा है तो प्लस और पावर प्लान के अंदर आप 20,000 रुपए तक का एम्बुलेंस का खर्चा भी कवर कर सकते हैं। प्राइम प्लान
में तो कवर्ड एज पर एक्चुअल्स पहले से ही है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन यानी किसी मजबूरी की वजह से अगर घर पे ही इलाज लेना पड़ता है और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव करती है तो ये कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, इसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। मॉडर्न ट्रीटमेंट्स की बात करें यानी एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट्स है, इसमें कई तरह की रोबोटिक सर्जरीज भी इंक्लूडेड है, तो प्लस और पावर प्लान के अंदर ये 50% ऑफ सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। जितने रुपए की आपकी पॉलिसी है उसके आधे अमाउंट तक आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन प्राइम प्लान अगर आप लेते हैं तो उसमें कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है, उसमें कोई भी कैपिंग नहीं है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये वो खर्चे हैं जब आप एडमिट होकर कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी आपके काफी सारे एक्सपेंसेस हो चुके होते हैं डॉक्टर को दिखाने के, दवाइयां लेने के, और डिस्चार्ज होने के बाद भी काफी सारे खर्चे आपको करने पड़ते हैं रिकवरी के दौरान, तो वो भी इस प्लान में कवर किए जाएंगे। अगर आपने लिया है प्लस या पावर वेरिएंट तो 60 दिन एडमिट होने से पहले के और 60 डेज डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे कवर किए जाएंगे। प्राइम वेरिएंट के अंदर 60 दिन एडमिट होने से पहले के और 90 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के ये खर्चे कवर किए जाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें यानी ऑर्गन डोनर चार्जेस में कवर है, बिल्कुल कवर है, लेकिन कुछ कैपिंग है, वो एक बार समझ लीजिए आप। अगर प्लस और पावर वेरिएंट लिया है तो यहां पे 50% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपए, लेकिन अगर आपने प्राइम वेरिएंट लिया है तो 50% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर मैक्सिमम 10 लाख रुपए आपको कवरेज ऑर्गन डोनर की मिल जाती है। रीइंस्टेटमेंट ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड जिसे हम रिचार्ज या रिस्टोरेशन बेनिफिट भी कहते हैं, वो साल में एक बार आपको मिल सकता है, उस पर कोई भी कैपिंग नहीं है, लेकिन एक कंडीशन जरूर है वो आपको जान लेनी चाहिए। वो ये है कि अगर सेम इलनेस के लिए आपका अमाउंट रिचार्ज या रीइंस्टेट होता है तो उसके लिए 20% की कैपिंग है। ये कैसे होगा? मान लो एक इलाज आपने करवाया जिसमें आपका पूरा बेसिक सम इंश्योर्ड खत्म हो गया और आपको रीइंस्टेटमेंट वाला अमाउंट यूज करना पड़ा उसी इलाज के लिए, तो रीइंस्टेटमेंट यानी रिचार्ज वाले अमाउंट से आप सिर्फ 20% का ही अमाउंट यूज कर पाएंगे। 100% का अमाउंट यूज करने के लिए या तो अनरिलेटेड इलनेस होनी चाहिए, कोई और फैमिली मेंबर इसे यूज कर सकता है। एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड ये कैसे मिलेगा? अगर एक ही इलाज के दौरान आपका पूरा सम इंश्योर्ड खत्म हो जाता है तो आप 20% एक्स्ट्रा सम इंश्योर्ड यूज कर सकते हैं अगर ये सिंगल ट्रीटमेंट के दौरान ही आपका बेसिक सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हुआ है। एक्सीडेंटल डेथ यानी कि पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, ये प्लस वेरिएंट में तो आपको फीचर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपने पावर और प्राइम वेरिएंट लिया है तो जो भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका 5% या मिनिमम 1 लाख रुपए का आप क्लेम ले सकते हैं। ये कवर क्या करेगा? अगर बीमित व्यक्ति की इस पॉलिसी पीरियड के दौरान किसी भी एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी ये कंपनसेशन उनके नॉमिनी या उनके परिवार को देगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वेवर ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम वेव क्यों हो जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मान लो इस पॉलिसी पीरियड के दौरान जो हमने कुछ गंभीर बीमारियां अपनी पॉलिसी वर्डिंग्स में मेंशन की हैं, इनमें से अगर कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो अगले साल का जो रिन्यूअल का प्रीमियम है वो हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन ये बेनिफिट आपको सिर्फ पावर और प्राइम वेरिएंट में ही मिलेगा, जो बेस वेरिएंट है प्लस उसके अंदर ये फीचर नहीं है। क्यूमुलेटिव बोनस की बारी आती है, यानी अगर आप पूरे पॉलिसी पीरियड में कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो आपको रिन्यूअल के टाइम पे क्या बेनिफिट मिलेगा? आपका सम इंश्योर्ड 33.33% बढ़ जाएगा, यानी कि अगर लगातार 3 साल आप कोई भी क्लेम नहीं लेते हैं तो जो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है वो डबल हो जाएगा। आप सिंगल क्लेम में भी पूरा अमाउंट यूज कर पाएंगे, यानी जब भी आपका क्लेम आएगा तो बेसिक सम इंश्योर्ड प्लस में क्यूमुलेटिव बोनस आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कॉल ऑप्शन फॉर एनहेंसमेंट ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड। आपने एक बार पॉलिसी खरीद ली, लगातार 4 साल तक आपने पॉलिसी को रिन्यू किया और कोई भी क्लेम इसमें नहीं आया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको एक कॉल ऑप्शन का बेनिफिट देती है। वो आपको कहती है कि आप चूज कर सकते हैं कि हम आपका बेसिक सम इंश्योर्ड और जितना भी क्यूमुलेटिव बोनस आपने अर्न किया है पिछले 3 साल के रिन्यूअल के दौरान, इन सब को मिला के आपका बेसिक सम इंश्योर्ड बना देते हैं। अगर आप कहेंगे कि हाँ ऐसा कर दीजिए तो ये आपका एडिशनल बेसिक सम इंश्योर्ड हो जाएगा, लेकिन ये चॉइस, ये डिसीजन आपका ही रहेगा। कंडीशन क्या है? 4 साल लगातार पॉलिसी रिन्यू होनी चाहिए और उसमें कोई भी क्लेम ना हो। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों लॉयल्टी कवर। अगर आप इसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, इसी प्लान के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको कुछ लॉयल्टी बेनिफिट्स मिलते हैं जो साल दर साल आपके बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे हर साल आप अपनी पॉलिसी रिन्यू करवाते रहेंगे, आपका प्लान पुराना होता जाएगा, इसी कंपनी के साथ आप जुड़े रहेंगे, तो हर साल आपके कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ऐड होते रहेंगे। वो बेनिफिट्स कौन कौन से हैं वो आपको अभी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो पॉलिसी वर्डिंग्स के पीडीएफ का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से भी ये बेनिफिट चेकआउट कर सकते हैं। वेलनेस सर्विस यानी आप ऑन कॉल सर्विस भी ले सकते हैं, जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के जो ऑन पैनल डॉक्टर हैं उनसे आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हैं अपने किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। क्लेम सर्विस गारंटी ये भी काफी यूनिक फीचर है, ये आपको बाकी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी हमारी शिकायत यही रहती है कि हमने क्लेम अप्रूवल के लिए डाला था, चाहे वो कैशलेस क्लेम है चाहे रिइंबर्समेंट क्लेम, और इंश्योरेंस कंपनी ने इतना डिले उसमें कर दिया कि हम तो परेशान हो गए, हमें हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट महसूस ही नहीं हुआ। तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस क्या कहता है कि यहां पे अगर आपका कैशलेस क्लेम अगर आपने फाइल किया है और आपका क्लेम 6 से 12 घंटे वर्किंग आवर जो है वो डिले हो जाता है, तो जो भी क्लेम अमाउंट आपने फाइल किया है उसका 1% हम आपको कंपनसेशन के तौर पे देंगे, और अगर उससे भी ज्यादा डिले हो जाता है तो एडिशनल 1% हम आपको और भी कंपनसेशन दे देंगे। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, अगर आप रिइंबर्समेंट क्लेम फाइल कर रहे हैं और 21 से लेकर 42
दिन का डिले आपका हो जाता है क्लेम पाने में, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, सारे फॉर्मेलिटीज करने के बाद, तो भी आपको आपके क्लेम अमाउंट का 1% कंपनसेशन के तौर पे मिलता है। हालांकि इस तरह के कंपनसेशन की मैक्सिमम कैपिंग रहेगी 6%। इसी तरह से दोस्तों अगला बेनिफिट है पॉलिसी सर्विस गारंटी। यानी ये तो क्लेम की बात थी पहले, तो अभी पॉलिसी इशू होने में अगर कोई देरी हो जाती, वैसे ये बहुत रेयर है क्योंकि पॉलिसी इशू करने में वो देरी नहीं लगाते हैं, फटाफट से पैसे लिए और पॉलिसी आपके पास आ जाती है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है बाय चांस कि आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, पेमेंट कर दी है और आपकी पॉलिसी 10 दिन तक आपको नहीं मिलती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेशन देगी। कितनी देगी? प्लस प्लान अगर आप लेते हैं तो 10,000 रुपए, पावर और प्राइम प्लान लेते हैं तो 20,000 रुपए कंपनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सारे मैंने स्टैंडर्ड फीचर्स आपको बता दिए हैं जो पॉलिसी बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं। अब मैं ऑप्शनल कवर्स को भी डिस्कस करूंगा जो इन फीचर्स को बिल्कुल मॉडिफाई कर देंगे। उससे पहले एक बार वेटिंग पीरियड को जान लेते हैं। वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कोई भी इलाज लेने से पहले आपको कितना वेट करना होगा। इसकी जनरल 3 कैटेगरीज होती हैं। पहला तो स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन ऑफ 30 डेज है, यानी 30 दिन के अंदर आपको सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम से मिलेंगे, कोई भी सिकनेस या इलनेस का क्लेम आप फाइल नहीं कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है स्पेसिफिक इलनेस की। ये कुछ स्लो ग्रोइंग इलनेस होती है जिनको होने में टाइम लगता है। इनका वेटिंग पीरियड रहेगा 24 महीने का। इनकी डिटेल लिस्ट आपको पॉलिसी वर्डिंग्स में मिल जाएगी, उसमें आपको अलग से लिखा होगा कि ये कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। यानी जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं उसी टाइम अगर आपको कोई दिक्कत है और आप वो दिक्कत डिक्लेयर करते हैं तो उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाता है। इनसे जुड़ा हुआ कोई भी इलाज 36 महीने के बाद कवर किया जाएगा। यानी पॉलिसी लेने के बाद लगातार 3 साल पॉलिसी आप रिन्यू करवाएंगे तब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज से जुड़ा हुआ कोई भी इलाज कवर किया जाएगा। हालांकि इसे कम भी किया जा सकता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है ऑप्शनल कवर्स का। आइए उसे शुरू करते हैं। ऑप्शनल कवर्स में दोस्तों जो पहला पॉइंट है वो है गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस। क्यूमुलेटिव बोनस ये कहता है कि अगर आप क्लेम नहीं लेंगे तो अगले साल आपका सम इंश्योर्ड बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने क्लेम ले लिया तो क्यूमुलेटिव बोनस खत्म हो जाता है। गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस एड ऑन अगर आप ले लेते हैं तो क्लेम लेने के बाद भी आपका क्यूमुलेटिव बोनस खत्म नहीं होता है, बशर्ते आप क्लेम के दौरान उस अमाउंट को इस्तेमाल ना करें, तभी वो खत्म नहीं होगा। अगर कोई छोटा क्लेम आया है, आपका क्यूमुलेटिव बोनस का अमाउंट अनटच्ड है, तो वो अपने आप खत्म नहीं होगा अगर आपने ये वाला एड ऑन ले लिया है तो। अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड। स्टैंडर्ड फीचर था रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड, यानी साल में एक बार बेसिक सम इंश्योर्ड का 100% दोबारा से रिचार्ज हो जाता था, यहां पे अनलिमिटेड टाइम्स हो सकता है। दूसरी एक लिमिट थी सेम इलनेस के लिए आप स्टैंडर्ड प्लान में सिर्फ 20% तक ये अमाउंट यूज कर पाएंगे। ये वाला एड ऑन अगर आपने ले लिया तो सेम इलनेस के लिए आप मैक्सिमम 100% तक एक बार ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल एड ऑन है दोस्तों डबल कवर। डबल क्या हो रहा है यहां पे? आपका बेसिक सम इंश्योर्ड। ये वाला एड ऑन अगर आपने ले लिया तो जितने रुपए की आप पॉलिसी लेंगे उतना ही एडिशनल अमाउंट आपके लिए आ जाएगा जब आपका बेसिक सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सम इंश्योर्ड ज्यादा होना चाहिए तो आप डबल कवर भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शनल कवर है दोस्तों चेंज इन रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट मैंने आपको स्टैंडर्ड प्लान की बता दी है, लेकिन हो सकता है हर एक की जरूरत अलग हो, उनकी सिटी के हिसाब से, उनकी प्रीमियम के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से, तो आप अपनी रूम रेंट लिमिट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी रूम रेंट लिमिट आपकी चॉइस के हिसाब से हो जाएगी, दूसरा आप इससे अपना जो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम है, प्राइस है, वो भी आप कम कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं इसे? जो आपका प्लस वेरिएंट है उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड मिलता है सिंगल प्राइवेट एसी रूम, लेकिन अगर आप डाउनग्रेड करते हैं ट्विन शेयरिंग रूम में, यानी एक रूम के अंदर दो पेशेंट रहेंगे, तो आपका प्रीमियम भी कम हो जाएगा और आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसे कम कर सकते हैं। पावर प्लान की अगर बात करें तो यहां पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम की जगह आप एज पर एक्चुअल्स भी कर सकते हैं, यानी कोई रूम रेंट की लिमिट नहीं है, और उसे डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, उसे ट्विन शेयरिंग भी कर सकते हैं। प्राइम प्लान के अंदर जैसे आप जानते हैं कि कोई भी रूम रेंट की लिमिट नहीं है, तो इसे भी आप लिमिट कर सकते हैं सिंगल प्राइवेट एसी के रूम तक, तो उसमें भी आपका प्रीमियम कम हो सकता है। रिडक्शन इन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड। मैंने आपको बताया था वेटिंग पीरियड कितना है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, 36 महीने का, लेकिन ये तो बहुत लंबा टाइम है। आप इसे कम भी कर सकते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके, यानी आप 36 महीने से इसे 24 महीने या 12 महीने भी कर सकते हैं, इतने टाइम के बाद ही आपकी ये डिजीज भी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों वॉलंटरी डिडक्टिबल। डिडक्टिबल क्या होता है? पूरे साल में एक क्लेम आए या मल्टीपल क्लेम्स आए, जो डिडक्टिबल का अमाउंट आप चूज करेंगे वो आपको अपनी जेब से पे करना है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी की कवरेज स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे भी आपको डिडक्टिबल ऑप्शन मिल जाता है। डिडक्टिबल के 4 ऑप्शन से अमाउंट आप चूज कर सकते हैं, 10,000, 25,000, 50,000 और 1,00,000 रुपए। इनमें से जो भी आप चूज करेंगे वो आपको अपनी जेब से पे करना होगा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पे करेगी। फायदा क्या होगा? आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम जितना डिडक्टिबल अमाउंट बढ़ता जाएगा उतना ही सस्ता भी होता जाएगा। रिमूवल ऑफ कोपेमेंट। कोपेमेंट वैसे तो स्टैंडर्ड पॉलिसी में नहीं है, लेकिन अगर एंट्री एज 61 ईयर्स से ज्यादा है तो 20% की कोपेमेंट है। आप ये वाला एड ऑन चूज करके ये कोपेमेंट परमानेंटली हटा सकते हैं। हॉस्पिटल कैश की बारी आती है। अगर आप चाहते हैं जो पेशेंट की ट्रीटमेंट है उसके अलावा
अलावा जो खर्चे होते हैं जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है उनको भी कवर किया जाए तो वो भी आप कवर कर सकते हैं। हॉस्पिटल कैश का एड ऑन आपको लेना होगा। चार ऑप्शंस कंपनी आपको देती है, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए और 2500 रुपए। जो भी अमाउंट आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर किसी पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन 72 घंटे से ज्यादा होती है तो मैक्सिमम 30 दिन के लिए, और अगर ये हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयू ट्रीटमेंट की तो मैक्सिमम 15 दिन के लिए आपको आपका हॉस्पिटल कैश का अमाउंट मिल जाएगा। आप अपने प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस की डेज की लिमिट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था प्लस और पावर प्लान के अंदर 60-60 दिन की है और प्राइम प्लान के अंदर 60 डेज और 90 डेज की है, उसे आप टोटली चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वो कम लगते हैं तो आपको ये वाला एड ऑन लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 90 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन का और 180 दिन पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का कवरेज मिल जाता है। एयर एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस तो ऑलरेडी कवर्ड है बेस प्लान में, लेकिन एयर एम्बुलेंस का कवरेज चाहते हैं तो आपका बेसिक सम इंश्योर्ड का 7.5% या फिर 5 लाख रुपए, जो भी इनमें से ज्यादा होगा वो क्लेम आप पा सकते हैं। रेडियो टैक्सी, ये भी एक काफी यूनिक एड ऑन है। अब जरूरी नहीं है हमेशा एम्बुलेंस आपके नजदीक हो किसी इमरजेंसी केस में, तो अगर आप पेशेंट को टैक्सी में लेके जाते हैं तो उसे भी आप कवर कर सकते हैं। 1000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन का आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन तभी वो कवर होगा जब ये एड ऑन आप अपनी पॉलिसी में ऐड करेंगे। नेक्स्ट एड ऑन है दोस्तों कॉन्वलेसेंस कवर। अब हो सकता है कोई हॉस्पिटलाइजेशन बहुत लंबी चल जाए, पेशेंट अगर 7 दिन से ज्यादा टाइम के लिए एडमिट हो जाते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपका और भी नुकसान हुआ है, आप अभी इनकम नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो हम आपको एक लमसम बेनिफिट देंगे। कितना बेनिफिट वो कंपनी आपको देगी? अगर आपके पास प्लस और पावर प्लान है तो मैक्सिमम 10,000 रुपए, और अगर आपके पास प्राइम प्लान है तो 25,000 रुपए का आपको कन्वलेंस बेनिफिट मिलता है। लेकिन शर्त क्या है? 7 दिन की कंसेक्यूटिव हॉस्पिटलाइजेशन होनी जरूरी है। हेल्थ चेकअप, अगर आप चाहते हैं अपने परिवार का हेल्थ चेकअप आप करवाएं इस पॉलिसी ईयर के बाद, तो फिर आपको ये एड ऑन लेना होगा। 3000 रुपए तक के हेल्थ टेस्ट आप करवा सकते हैं अगर आप ये एड ऑन चूज कर लेते हैं। वैक्सीनेशन कवर, अगर आप ये एड ऑन ले लेते हैं तो वैक्सीनेशन से जुड़े हुए एक्सपेंसेस भी आप कवर कर सकते हैं। प्लस और पावर प्लान में ये कैपिंग है 2000 रुपए की, और अगर आप प्राइम प्लान चूज करते हैं और ये एड ऑन चूज करते हैं तो 3500 रुपए के इस कैटेगरी के खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट एड ऑन है चेंज इन मॉडर्न ट्रीटमेंट सम इंश्योर्ड। अब जो इसकी कैपिंग थी ना वो आपने जानी थी, प्लस और पावर प्लान के अंदर 50% ऑफ सम इंश्योर्ड थी, लेकिन अगर आप ये वाला एड ऑन ले लेते हैं तो अप टू 100% ऑफ बेसिक सम इंश्योर्ड ये कवरेज आपको मिल जाती है। प्राइम प्लान में ऑलरेडी कवर्ड अप टू 100% ऑफ सम इंश्योर्ड है तो उसमें सेम ही रहेगा। प्लस और पावर प्लान लिया है तो आप ये वाला एड ऑन ले सकते हैं। विजन करेक्शन, अगर आपकी नजर कमजोर हो गई और आप चाहते हैं कि आई से जुड़ी हुई जो सर्जरी है वो आप इसमें कवर करना चाहते हैं तो प्लस प्लान के अंदर 50,000 रुपए कवरेज आपको मिलता है और पावर और प्राइम प्लान में 1,00,000 रुपए तक का कवरेज इस तरह का आप ले सकते हैं, लेकिन विजन करेक्शन वाला एड ऑन उसके लिए आपको लेना होगा। सेकंड ओपिनियन का एड ऑन अगर आप चूज करेंगे तो मान लो आपने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया है और आपको डाउटफुल लगता है कि उनका डायग्नोसिस ठीक नहीं है, आप दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसका भी बेनिफिट आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। उसके लिए अगर आपके पास पावर या प्लस प्लान है तो उसमें 3000 रुपए का, और प्राइम प्लान अगर आपने लिया है तो मैक्सिमम 5000 रुपए का बेनिफिट आप ले सकते हैं। होम केयर ट्रीटमेंट, ये भी एज ए एड ऑन बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप ये चूज करते हैं, तो जो होम केयर ट्रीटमेंट के एक्सपेंसिस हैं वो भी आप कवर्ड अप टू 100% क्लेम कर सकते हैं। कंपेनियन कवर, इसके अंदर भी डेली 1000 रुपए का बेनिफिट जो पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान उनको मिलता है। कंडीशन क्या है? 72 आवर्स की मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 दिन का कवरेज आप इस बेनिफिट के अंडर क्लेम कर सकते हैं अगर आप कंपेनियन कवर लेते हैं तो। नेक्स्ट है चाइल्ड केयर कवर, अगर कोई छोटा बच्चा पॉलिसी में है जिसकी एज 12 साल से कम है और उसकी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो 72 घंटे से ज्यादा की हो जाती है तो मैक्सिमम 30 दिन के लिए 1000 रुपए प्रतिदिन वो भी क्लेम कर सकते हैं अगर उन्होंने ये वाला एड ऑन लिया है तो। अब दोस्तों आता है हेल्थ इंश्योरेंस का सबसे जरूरी मगर इग्नोर्ड पार्ट, यानी कोई भी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, लेकिन जरूरी क्यों है ये? क्योंकि कभी भी अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होगा, उसमें से पैसे काटे जाएंगे या फिर उसमें डिले होगा तो इन एक्सक्लूजन में कोई ना कोई रीजन ऐसा होगा जिसको इस्तेमाल करके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसा करती हैं। इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। इस प्लान के एक्सक्लूजन मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला एक्सक्लूजन है इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएशन, यानी जब आप सिर्फ अपनी सेहत की जांच करवाने के लिए कोई टेस्ट करवाते हैं या कोई दवाइयां लेते हैं या डॉक्टर को विजिट करते हैं तो इस तरह का कोई भी इलाज कवर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रेस्ट क्योर एंड रिहैबिलिटेशन, आप आराम करते हैं अपने इलाज के लिए, रिहैब में जाते हैं किसी ट्रीटमेंट की रिकवरी के लिए तो इस तरह का भी कोई इलाज इसमें कवर नहीं होगा। ओबेसिटी वेट कंट्रोल, मोटापे से जुड़ी हुई कोई भी सर्जरी है, कोई भी इलाज है वो कवर नहीं होगा जब तक ये आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी ना हो, यानी आपके जिंदा रहने के लिए अगर कोई मोटापे की सर्जरी करना जरूरी हो जाता है तभी उसे इस पॉलिसी में इंक्लूड कवर किया जाएगा। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट, यानी आप अपोजिट सेक्स से जुड़ा हुआ कोई इलाज करवाते हैं तो वो ये पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करेगी। कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, फेस या किसी भी बॉडी पार्ट को अगर आप ब्यूटीफाई करना चाहते हैं उसके लिए आप कोई प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं तो वो ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी एक्सीडेंट के बाद कोई ऐसी प्लास्टिक सर्जरी है जिसको करना जरूरी है आपके सर्वाइवल के लिए,
उसके चार्जेस ये प्लान जरूर कवर करेगा। हैजार्डस एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत रिस्क होता है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है, मोटर रेसिंग है, जिसमें आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर उन खेलों में होने वाली कोई इंजरी है तो उसे ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है ब्रीच ऑफ लॉ, यानी अगर आप किसी इलीगल एक्टिविटी में संलिप्त हैं और उस दौरान अगर आपको कोई चोट लग जाती है, कोई मेडिकल कंडीशन बन जाती है, तो वो भी ये प्लान कभी भी कवर नहीं करेगा। अगला एक्सक्लूजन है एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, ये बहुत जरूरी है। अब कैशलेस हॉस्पिटल्स तो आपने सुने ही होंगे कि जहां पे आप इलाज ले सकते हैं बिना कोई भी एडवांस कैश दिए, उसके अपोजिट एक कैटेगरी है एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स, जो ये हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की लिस्ट है। यहां अगर आप कोई भी इलाज लेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम अप्रूव नहीं करेगी। ऐसा क्यों है, कंपनी ने इन्हें ब्लैकलिस्ट क्यों किया है? क्योंकि इनका इलाज करने का तरीका, इनका क्लेम फाइल करने का तरीका, या फिर इनकी पूरी प्रोसेस में कोई ना कोई डाउट इंश्योरेंस कंपनी को लगता है, तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की एक अलग से लिस्ट बनाई है, जहां पे अगर कोई भी बीमित व्यक्ति इलाज लेगा तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। ये लिस्ट आपको मिलेगी कहां? ये आपको इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे मिल सकती है। तो अपने शहर के कैशलेस हॉस्पिटल्स के साथ साथ एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। अगला एक्सक्लूजन है सब्सटेंस या अल्कोहल अब्यूज, नशे की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाती है या अगर कोई मेडिकल कंडीशन अराइज होती है तो वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। डायटरी सप्लीमेंट्स, यानी अगर आप कोई भी सप्लीमेंट ऐसे लेते हैं जो बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन के हैं तो उनका खर्चा भी कवर नहीं किया जाएगा। रिफ्रेक्टिव एरर, यानी आंखों की जो कमजोरी है, नजर कमजोर हो जाती है, उसका जो लेजर ऑपरेशन आप कराते हैं तो वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। ऑप्शनल कवर आपने लिया है तो उसमें कवरेज आपको ये मिल जाती है। स्टरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, यानी परिवार नियोजन से जुड़ा हुआ कोई भी इलाज है जैसे कि नसबंदी, तो वो इसमें कवर नहीं होगा। मेडिकली नॉट नेसेसरी ट्रीटमेंट, अब इसमें बहुत ज्यादा क्लेम रिजेक्शन आता है। ये वो इलाज है जिनको लेना जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है खांसी है, जुकाम है, बुखार हुए 3-4 दिन हो गए हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछते हैं भाई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? हमने कहा है, तो बोलते हैं एडमिट हो जाओ ना। फिर उनका तो देखो काम है, वो तो जितना बिल बनाएंगे उनको पैसे उनके मिल जाएंगे, चाहे आपका क्लेम अप्रूव हो या ना हो। लेकिन बहुत से ऐसे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं, कारण क्या है? मेडिकली नॉट नेसेसरी ट्रीटमेंट, यानी कि उसके लिए एडमिट होना जरूरी नहीं था। आप दवाइयां लेते, ओपीडी में दवाइयां आप लेकर घर जा सकते थे, उसमें आपको आराम हो जाता, आप ठीक हो जाते, इसलिए वो क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी आपको जो नॉर्मल डॉक्टर को दिखाने का खर्चा है, दवाइयां हैं, यानी बिना हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी ट्रीटमेंट है, ओपीडी ट्रीटमेंट, वो कवर नहीं होगी। ओवरसीज ट्रीटमेंट, आउटसाइड ऑफ इंडियन ज्योग्राफिक लिमिट्स अगर आप कोई भी इलाज लेते हैं किसी और कंट्री में जाके, वो ये प्लान कवर नहीं करेगा। चार्जेस अदर देन रीजनेबल एंड कस्टमरी, कोई भी इलाज अगर आपने लिया और अगर आपका डॉक्टर या हॉस्पिटल कोई बहुत ज्यादा हाईली प्राइस उनका चार्ज कर लेते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पे करेगी? जो कि रीजनेबल और कस्टमरी है, जो आपके शहर के हिसाब से आपकी जो इन्फ्लेशन है, उस इलाज के जो कॉस्ट है, उतना ही क्लेम इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेंगी। सेल्फ इंजरी या सुसाइड, अगर कोई बीमित व्यक्ति खुद को चोट पहुंचाता है, सुसाइड अटेम्प्ट करता है और उस दौरान कोई इंजरी हो जाती है या उससे कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है, तो वो इस प्लान में कवर नहीं होगी। ट्रीटमेंट आउटसाइड डिसिप्लिन, कोई मेडिकल डिसिप्लिन से बाहर की ट्रीटमेंट है जिसे कि मेडिकल जो काउंसिल्स हैं वो रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स जिसे कह सकते हैं, वो कवर नहीं होंगी। वॉर और सिमिलर सिचुएशन, कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई युद्ध छिड़ जाता है, कोई बड़ा ऐसी मास स्केल पे एक्टिविटी हो जाती है जिसमें मास स्केल पे ही इंजरीज हैं, तो इस तरह में भी होने वाली कोई भी इंजरीज ये प्लान कवर नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये आपने एक्सक्लूजन्स भी सारे समझ लिए हैं। अब एक ओवरऑल पिक्चर आपके माइंड में इस प्लान के बारे में बन गई है कि क्या क्या इसकी फैसिलिटीज हैं, तीन वेरिएंट्स में से कौन सा प्लान आपको सूटेबल लगता है आपके सम इंश्योर्ड के हिसाब से, फैसिलिटीज के हिसाब से, अगर कुछ कमियां हैं तो उनको आप कैसे दूर कर सकते हैं इन ऑप्शनल कवर्स के द्वारा, तो वो मैंने आपको सारा डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड समरी इस प्लान की बता दी है। डिसीजन आपको लेना होगा, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन से, मेरे एक डिसीजन से ये सबको फिट नहीं होगा कि हर एक इंसान को ये प्लान ले लेना चाहिए। वो आपकी मेडिकल जरूरतों पर निर्भर करता है और इस प्लान की फैसिलिटीज पर निर्भर करता है। मेरा काम था इस प्लान को आपके लिए बिल्कुल आसान भाषा में प्रेजेंट करना, जिसको मैंने करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि ये प्लान मैंने आपको अच्छे से समझाया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस विजन के साथ, हमारी इस कोशिश के साथ, हमारी इस कम्युनिटी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।